जब पीएम 15 महीने के बाद आए तो कहे कि 15 महीने के बाद आए, इतने दिनों के बाद क्यों आए, और जब लगातार 5 बार आए तो पैनिक में कहने लगे इतनी बार क्यों आ रहे हैं। वास्तव में ये नरेंद्र मोदी से पैनिक में ये लोग हैं, ये लोग डरे हुए घबराए हुए हैं, और नरेंद्र मोदी के डर से इन लोगों ने आपस का गठबंधन किया। पीएम देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ और बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं। अटल जी भी दर्जनों सभाएं किया करते थे इसके पहले, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, हर जगह पीएम की दर्जनों रैलियां हुई हैं। और बिहार 11 करोड़ की आबादी का बिहार है, वास्तव में तो उनको और 10-12 ज़्यादा रैली करना चाहिए था, लेकिन समय का अभाव है, इंडो अफ्रीकन मीट है, इस कारण से उन्होंने इतनी ही रैलियाँ की हैं। तो ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और देखिए, पीएम ने कभी स्तर नीचे नहीं गिराया, ये तो लालू यादव हैं जो पीएम के लिए कभी नर पिशाच हैं, कभी नर भक्षी हैं, कभी ब्रह्म पिशाच हैं, इनको भगा देंगे, इनके मुंह में हल्दी ठोस देंगे, नाक में धुआं डाल देंगे, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार चुप्पी साध कर उनका उनकी हम हम मिला रहे हैं। तो जो डिबेट का स्तर है, ये तो उन्होंने व्यंग में कुछ बातें कही नरेंद्र मोदी जी ने लालू यादव बाकी के बारे में, लेकिन कभी भी बीजेपी की ओर से डिबेट के स्तर को नीचे गिराने का प्रयास नहीं हुआ है। लोगों के लिए सीएम कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, गठबंधन कौन होगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार सीएम के उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन उनके साथ कौन है, लालू यादव हैं, उनके साथ कौन है, सोनिया गांधी हैं। तो आप किस संगत में हैं, आपके अगल बगल कौन लोग खड़े हैं, आपकी टीम में कौन लोग हैं, सेनापति हैं, लेकिन टीम में अगर लालू यादव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की के लोग अगर हैं, तो बिहार की जनता वैसे चेहरों को कदापि स्वीकार नहीं करेगी। जो गठबंधन चुनाव के पहले बिखर गया, लालू नीतीश में इतनी आपस में वैमनस्य है, एक साथ चल नहीं सकते। आज तक राहुल गांधी और सोनिया जी के मंच पर न नीतीश कुमार गए, न राहुल गांधी, न लालू यादव गए, न लालू यादव के मंच पर नीतीश कुमार गए, न नीतीश कुमार के मंच पर लालू यादव गए। तो चुनाव खत्म होने को प्रचार, लेकिन आज तक इन्होंने मंच शेयर नहीं किया। लेकिन आपकी पार्टी के लिए भी लोग कहते हैं कि इनफाइटिंग बहुत है, इसी कारण से एक लीडर और दूसरे लीडर के रैलियों में नहीं आते। कहां पर नहीं आते, आप नाम बताइए मुझे। यानी हमारे तो 10-10 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, रोज हमारी 50 सभाएं हो रही हैं, और सारे हमारे प्रमुख नेता जो हैं वो सारे रैलियों के अंदर भाग ले रहे हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, सर डॉक्टर सीपी ठाकुर, सारे जो नेता हो, सारे के सारे लोग रैलियों के अंदर भाग ले रहे हैं। सर, इसमें बिहारी कौन हुआ, सारे बाहरी हैं ना? कौन है, सुशील मोदी बाहरी हैं क्या, या सीपी ठाकुर बाहरी हैं क्या, रूडी जी बाहरी हैं क्या, शहनवाज हुसैन बाहरी हैं क्या, अजय निषाद बाहरी हैं क्या, डॉक्टर प्रेम कुमार बाहरी हैं क्या, रामकृपाल यादव बाहरी हैं क्या? तो देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी के अंदर सोनिया जी भी आती हैं, राहुल गांधी भी आते हैं, ये बात अलग है, उनके पास कोई लोकल लीडर नहीं, इसलिए कोई लोकल लीडर उनका प्रचार नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ तो 2 दर्जन स्थानीय नेता हैं, समाज के हर वर्ग के लोग हैं, और राष्ट्रीय पार्टी तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। तो ये तो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार के लाखों नौजवानों को बाहरी बना दिया, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता लोगों को, ये तो बिहार के लोगों को बाहरी बनाने का काम तो लालू यादव और नीतीश कुमार ने किया। और हमने 6 सूत्री घोषणा की है कि दवाई, पढ़ाई और कमाई, और सड़क, बिजली, पानी, इस 6 विजन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कभी गौ मांस का मुद्दा लाते हैं, ये कभी आरक्षण का मुद्दा लाते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, लेकिन देखिए, बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और हम विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे।